नमस्कार। बीएससी द्वितीय वर्ष के छात्रों का वर्गीकरण सिलसिला चल रहा था, कोडेटा वर्गीकरण क्लासिफिकेशन के बारे में। आज हम बात करते हैं पीसीज, जो अधिवर्ग है। दो अधिवर्ग होते हैं गणितोष्टमिटा के, एक पीसीज होती है, एक टेट्रा कोडा होता है। यहाँ जो उपांग होते हैं पंखों के रूप में पाए जाते हैं, जबकि टेट्रा कोडा में उपांग पादों के रूप में पाए जाते हैं। ये जबड़े युक्त जंतु हैं जो इसमें आते हैं। हम पहले इस पीसीज की जो अधिवर्ग है, इसके दो वर्ग पाए जाते हैं पीसीज के अंदर, एक अस्थिर मछलियों का, एक उपास्थिल मछलियों का। तो कोंडक्टीज जो है उपास्थिल मछलियों का वर्ग होता है। पहले इसके जो सामान्य लक्षण है इसके संबंध में बात करते हैं। तो इसका जो ये उपास्थियां मछलियां होती हैं, ये उपास्थिल मछलियां पाई जाती हैं और समुद्र के अंदर तथा फ्रेश वाटर दोनों स्थानों पर ये पाई जाती हैं। नदियों के अंदर समुद्र में समान रूप से पाई जाती हैं। ये काफी भारी मछलियां होती हैं, क्योंकि इसमें जो एयर ग्रेडर है, वायु कोश है, वो अनुपस्थित पाए जाते हैं। जो देह है वो पृष्ठ अधितल पर चपटी पाई जाती है या पांच स्तरों पर संपीड़ित रूप में पाई जाती है। तर्कुनुमा देह है। जो उपांग के बारे में बात करें तो ये जो जंतु होते हैं इनके अंदर युग्मित और अयुग्मित दोनों प्रकार के पंख पाए जाते हैं। युग्मित पंख पेक्टोरल और पेल्विक फिन के रूप में पाए जाते हैं, जबकि अयुग्मित पंख पृष्ठीय, अधरीय तथा पूंछीय पंखों के रूप में पाए जाते हैं। इसकी पूंछीय पंख होता है हेटरोसर्कल प्रकार का पाया जाता है। तो दो प्रकार के पूंछ होते हैं, होमोसर्कल एंड हेटरोसर्कल। हेटरोसर्कल जो पूंछ होती है उसकी जो पालियां पृष्ठीय अधिक पालियां असमान आकार की पाई जाती है। इसकी त्वचा जो होती है उस पर प्लेकोइड सल्क पाए जाते हैं, तो डर्मल सल्क के रूप में उपस्थित है और श्लेष्मा ग्रंथियां उपस्थित पाई जाती हैं त्वचा के अंदर। जो देह गुहा होती है वो दो भागों में विभाजित पाई जाती है। एक अग्र छोटी पेरिकार्डियल गुहा है, परिहृदय गुहा होती है जिसमें हृदय उपस्थित पाया जाता है, और दूसरी पश्चीय बड़ी पेरिटोनियल गुहा होती है जिसमें अन्य जो आंतरिक अंग है वो पाए जाते हैं। और दोनों गुहाएं एक दूसरे से एक जोड़ी जो नाले होती हैं उनके द्वारा संबंधित पाई जाती है। ये जो मुख है इसका अधरी है और जबड़े युक्त पाया जाता है। जो अमाशय है वो जे आकृति का है और इंटेस्टाइन के अंदर आंत्र के अंदर स्कोरल कपाटिका पाई जाती है। तो श्वसनीय क्रिया के अंतर्गत 5 से 7 जोड़ी क्लोमीय छिद्र पाए जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर अपरकुलम उपस्थित नहीं पाया जाता। अपरकुलम एक ऊपर ढक्कन के रूप में पाया जाता है जो इनको ढकता है, इन क्लोमीय छिद्रों को, वो यहाँ अनुपस्थित पाया जाता है। और वायु कोश और फेफड़े यहाँ अनुपस्थित पाए जाते हैं। जो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम है, परिसंचरण तंत्र है, वो बंद प्रकार का है। हृदय द्विकोष्ठी है, इसके अंदर साइनस वेनोसस सिराकोटर तथा कोनस आर्टियोसस धमनाल दोनों उपस्थित पाए जाते हैं। जो देह का ताप होता है अनियंत्रित होता है, वो वेरिएबल या अलग अलग समय पर अलग अलग पाया जाता है। सर्दी में ठंडा हो जाता है, गर्मी में गर्म हो जाता है। इसको देह को के ताप को नियंत्रित करने का यहाँ कोई तंत्र नहीं पाया जाता है। जो उत्सर्जी तंत्र है उसके अंतर्गत जो जंतु होते हैं यूरियोटेलिक होते हैं, ये अमोनिया का उत्सर्जन यूरिया के रूप में करते हैं और इनके अंदर एक जोड़ी ऑपिस्टोनेफ्रिक व्रत पाए जाते हैं, क्लोएका उपस्थित पाया जाता है। मस्तिष्क जो है उसके अंदर जो घ्राणीय पालियां होती हैं बड़े आकार की हैं, और जो सेरिबेलम है वो भी बड़े आकार का पाया जाता है। सेरिबेलम तो देह का संतुलन बनाने का अधिक कार्य करता है, पेशियों को नियंत्रित करता है। इसमें कपाल तंत्रिकाओं के 10 जोड़ी पाए जाते हैं, और जो इसमें नासिका जो द्वार है, नासिका छिद्र है, वो युग्मित होते हैं, संख्या में 2 होते हैं, लेकिन ये रश्मि में खुले हुए नहीं पाए जाते हैं। इनके अंदर
जो आंतरिक कण है उसमें तीन अर्धचंद्राकार नलिकाएं पाई जाती हैं देह संतुलन के लिए, और लेटरल लाइन सिस्टम पार्श्वरेखीय तंत्र यहाँ उपस्थित पाया जाता है बाह्य संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए। जो ये जंतु हैं एक लिंगी जंतु हैं और इनके अंदर युग्मित जनक पाए जाते हैं। युग्मित जनक का मतलब एक जोड़ी जनक पाए जाते हैं जो प्लोएका में खुलते हैं। एक जोड़ी वास डिफरेंस के माध्यम से शुक्रग्राही जो नलिकाएं होती हैं उसके माध्यम से बाहर खुलते हैं। नर्व के अंदर एक जोड़ी क्लासपर जो मैथुनी अंग है वो पाए जाते हैं, जो इसकी पेल्विक रीजन होता है, जो श्रोणि जो क्षेत्र है वहां एक जोड़ी क्लासपर नलिका नुमा मैथुनी अंग पाए जाते हैं जिनका उपयोग आंतरिक निषेचन के लिए किया जाता है। जो परिवर्धन है प्रत्यक्ष रूप से पाया जाता है। तो ये इसके सामान्य लक्षण है कॉन्ट्रैक्टिस जो फिशीज होते हैं उनके। अब हम बात करते हैं इनका जो विकसित लक्षण है सैकलोस्टोमेटा जो वर्ग था उससे किन किन लक्षणों में ये उनसे सुपीरियर पाए जाते हैं उनकी बात अब हम करते हैं। इनके अंदर जो चर्मी सल्प उपस्थित पाए जाते हैं जो कि वहां नहीं थे, इनके अंदर जो युग्मित पंख है वो परिवर्तित हो गए हैं, जो नासिका छिद्र है संख्या में 2 हो गए हैं, जबड़े दंत युक्त यहाँ उपस्थित हो गए हैं, अमाशय और स्प्लीन दोनों यहाँ बन गए हैं, और जो जनन है वो युग्मित हो गए हैं संख्या में 2 हो गए हैं, और जो जनन जनन वाहिनियां होती हैं वो भी यहाँ बन गई हैं। जो नरों के अंदर क्लासपर मैथुनी अंग पाए जाते हैं आंतरिक निषेचन के लिए, और जो आंतरिक कण है उसके अंदर तीन अर्धचंद्राकार नलिकाएं पाई जाती हैं जिससे देह का संतुलन अधिक उससे प्रकार से दृक्षा से पाया जाता है। अब हम बात करते हैं इस जो वर्ग कुंडली जो पास से मछलियां होती हैं उनका जो वर्गीकरण है उसको किस प्रकार से किया जाता है। ये जो मछलियां होती हैं कुंडली इनको 2 उप वर्गों में विभाजित किया जाता है होलोसेफेली एंड सेलिकी। 2 अलग अलग उपवर्ग हैं। इनमें जो विविध लक्षण है उनकी बात करते हैं। जो देह की आकृति होती है इसके अंदर जो देह होती है वो पार्श्व तल पर संपीड़ित पाई जाती है जबकि यहाँ पृष्ठ अधितल पर चपटी पाई जाती है। जो सल्क होते हैं वो यहाँ अनुपस्थित है या प्लेकोइड सल्कों के रूप में पाए जाते हैं। जो जबड़े का सस्पेंशन होता है जबड़ा जो लटकने का जो तरीका होता है या होलोस्टैटिक है या हायोस्टैटिक है। होलोस्टैटिक में जबड़े का जो ऊपरी जबड़ा है वो कपाल के साथ जुड़ा पाया जाता है, इसमें जुड़ा हुआ नहीं पाया जाता है। जो स्पाइकल है स्पाइकल एक प्रकार का एक गर्त होती है जो कि एक क्रोमी छिद्र के नष्ट होने के पश्चात या उसके लुप्त होने के पश्चात वहां शेष रह जाती है। वो स्पाइकल के रूप में यहाँ कोई भी ऐसी संरचना नहीं पाई जाती है यहाँ स्पाइकल पाए जाते हैं। जो क्रोमी छिद्र है या 4 जोड़ी है या 5 से 7 जोड़ी पाए जाते हैं। जो अपर कुलम है इनके अंदर जो होलो सेफेली जो उपवर्ग है इनके अंदर अपर कुलम एक त्वचा के खोल के रूप में पाया जाता है जबकि यहाँ अनुपस्थित पाया जाता है। जो क्लोएका है ये पहले वाले में अनुपस्थित है यहाँ उपस्थित पाया जाता है। जो क्लासपर है जो ये सेलिकी उपवर्ग है इसके अंदर जो श्रोणि क्षेत्र है वहां एक जोड़ी क्लासपर पाए जाते हैं जबकि यहाँ होलोसेफेली के अंदर जो इन क्लासपर के साथ कुछ अतिरिक्त क्लासपर भी पाए जाते हैं जो कि सिर पर और पेट पर उपस्थित पाए जाते हैं। जो लेटरल लाइन सिस्टम है पार्श्वरेखीय तंत्र है वहां वो इनके अंदर जो होलोसेफेली वाले जंतु होते हैं उनके अंदर ये खुली खांच के रूप में पाया जाता है जबकि यहाँ ये त्वचा में धंसा हुआ पाया जाता है। ये जो होलोसेफेली है इसमें केवल एक गण है कैमेरी फॉर्मिस और इसका उदाहरण है कैमेरिया। तो ये जो होलोसेफेली का वर्गीकरण है। अब सेलिकी का वर्गीकरण हम आगे करते हैं। तो सेलिकी जो उपवर्ग है इसको 2 गणों में विभाजित करते हैं एक प्लूरो ट्रिमेटा एंड हाइपो ट्रिमेटा। प्लूरो ट्रिमेटा हाइपो ट्रिमेटा 2 अलग अलग गण है। तो प्लूरोट्रोमेटा के जंतु जो होते हैं तर्कुनुमा देह वाले होते हैं और इसके जंतु पृष्ठीय अधितल पर चपटे पाए जाते हैं। इनकी जो क्रोमी छिद्र की संख्या होती है वो
वो 5 से 7 होती है, इनकी केवल 5 होती है, लेकिन जो इनकी पोजीशन है उन्होंने छिद्रों की, ये 5 तल पर पाए जाते हैं जबकि ये अधिक तल पर पाए जाते हैं। इसी कारण इनका नाम है प्लूरो मतलब लेटल, हाटो मतलब वेंट्रल, ये इसके कारण इनका नामकरण किया गया है। तो प्लूमिक छिद्र होते हैं या पार्श्व तल पर है या अधिक तल पर पाए जाते हैं। जो इनके स्पाइकल्स होते हैं वो छोटे आकार के होते हैं और आंखों के नेत्रों के पीछे पाए जाते हैं। इनके स्पाइकल बड़े आकार के होते हैं और पृष्ठीय तल पर पाए जाते हैं। ये जो पेक्टोरल फिन है, जो अंश पंख होते हैं, वो सामान्य आकार के होते हैं और इनके जो अंश जो पेक्टोरल ग्रिडल होती है, अंश मेखला होती है, उसके दोनों जो अर्ध हैं वो पृष्ठ तल पर मुक्त पाए जाते हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं पाए जाते, जबकि यहां जो अंश पंख है बड़े आकार का है और जो अंश मेखला होती है उसके दोनों जो अंश अर्ध होते हैं वो पृष्ठ तल पर एक दूसरे से जुड़े हुए पाए जाते हैं। जो पूंछ क्षेत्र है यहाँ का लुट्रीमेटा का, वो धड़ से विभेदित नहीं पाया जाता है, यहाँ विभेदित पाया जाता है। यहाँ जो स्विमिंग ऑर्गन के रूप में तैराकी अंग के रूप में पूंछ पाई जाती है, यहाँ जो अंश पंख के जो फ्लैपिंग एक्शन होते हैं उनके द्वारा स्विमिंग क्रिया की जाती है। उदाहरण के रूप में जो लुट्रीमेटा जंतु होते हैं उसमें स्क्लेरोडॉन है, कुत्ता मछली है, और हैमर हेडेड शार्क पाई जाती हैं, जबकि इनके अंदर टॉर्पीडो है एंड ट्राइगोन मछलियां पाई जाती हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है उपास्थल मछलियों का। धन्यवाद।